हे गाइस, आपको हमारे चनकी के से ट्यूटोरियल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज ऑपरेशंस या फिर स्टेप ऑफ ऑपरेशंस। तो हमने पिछले लेक्चर में व्हाट इज इंफॉर्मेशन, उससे पहले लेक्चर में हमने व्हाट व्हाट इज डेटा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज इंफॉर्मेशंस या फिर स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो आपका जो पहला पॉइंट है, स्टेप ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेटा इंटू इंफॉर्मेशंस। ठीक है, मतलब डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आई मीन कैसे फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की बात करें, डेटा इज ए कैप्चर फ्रॉम एनी सोर्सेज, दिस इज फीड इनटू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। मतलब डेटा को हम कैप्चर कर सकते हैं, डेटा को हम कैप्चर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एनी भी कोई भी सोर्स से। ठीक है, डेटा को आपको स्टोर करना है, कैप्चर करना है, कलेक्ट करना है एनी सोर्स से, विच फीड इनटू कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। मतलब उन डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें उसे कंप्यूटर में फीड करना पड़ता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। मतलब आपको सबसे पहले वो डेटा को कंप्यूटर डिवाइस में किसी इनपुट के सहारे आपको फीड करना पड़ेगा, मतलब भेजना पड़ेगा। उसके बाद आप एक रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, वो आपका रिजल्ट ही आपका इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्योंकि तो इंफॉर्मेशन आपका मीनिंगलेस डेटा होता है, मीनिंगलेस वर्ड है, और आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका इंफॉर्मेशन होगा जो कि मीनिंगफुल वर्ड है और जिसका सीक्वेंस भी होता है, ऑर्डर भी होता है। लेकिन डेटा का ना सीक्वेंस है ना ऑर्डर रहता है और ना ही एक मीनिंगफुल वर्ड है, एक ये मीनिंगलेस वर्ड है। ठीक है, देन हम दूसरे पॉइंट की बात करें, देन ऑपरेशन मैनिपुलेशंस आर परफॉर्म ऑन द डेटा। मतलब जब हम किसी डेटा को सिस्टम में फीड करते हैं या फिर सेंड करते हैं, इनपुट देते हैं डेटा को, तब वो डेटा प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है एंड यूजर के अकॉर्डिंग उसके इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं। देन उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होती है, ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशंस होता है। देन हमें वो आउटपुट जनरेट होता है, जिस आउटपुट को हम इंफॉर्मेशंस कहते हैं। ठीक है, वहाँ कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, देन हमें कोई आउटपुट फाइंड होगा रिक्वायर्ड टू द यूजर्स, उसे ही हम इंफॉर्मेशंस कहेंगे या फिर हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें, आफ्टर ऑपरेशन डेटा बिकम इंफॉर्मेशंस। मतलब ऑपरेशन और मैनिपुलेशंस के साथ, ठीक है, आपका जो डेटा है वो कन्वर्ट हो जाता है टोटली इंफॉर्मेशंस में। जो मीनिंगलेस डेटा है वो मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट हो जाती है, जिस डेटा की कोई सीक्वेंस नहीं है, जिसकी कोई ऑर्डर नहीं है, आफ्टर प्रोसेसिंग, आफ्टर ऑपरेशंस। ठीक है, आफ्टर ऑपरेशंस जब कोई उसमें प्रोसेसिंग हो जाती है, जब तक तो उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, जब तक तो उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस पास हो जाती है, उसके बाद वो डेटा इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फोर पॉइंट की बात करें, टू कन्वर्ट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूजर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूजर आपको किस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका कंप्यूटर डिवाइस है, ठीक है, वो एक हार्डवेयर है। ठीक है, और आपको पता है कि हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो जो यूजर इंस्ट्रक्शंस पास करेगा, चाहे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हो, ठीक है, या सेट ऑफ रूल्स हो, या कोई एक सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर पास करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, मतलब वो उसको कन्वर्ट करेगा। तो आपको पता है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो एक कंप्यूटर जो डिवाइस है वो एक हार्डवेयर है, और हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करता। उसके कोई भी फंक्शन बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया। यहाँ तक यदि हम इसके एग्जाम्पल्स देखें, यदि हम इसके एग्जाम्पल्स सॉरी यदि हम इसके एग्जाम्पल्स देखें आगे चल के, यदि हम इसके एग्जाम्पल्स देख लें, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, आपको पता है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। ठीक है, मतलब ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, यही ऑपरेशन इनपुट डिवाइस में परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं कोई सपोज मैंने कोई दो डेटा दे दी, इनपुट सप्लाई कर दी, दो डेटा, ठीक है, सिस्टम को दो डेटा मैंने सप्लाई कर दी, प्लस 10 एंड 20। ठीक है, और उस प्रोसेसिंग यूनिट ने एक इंस्ट्रक्शन है जो यूजर ने पास किया है, तो आप यहाँ दे सकते हैं एग्जाम्पल में, परफॉर्मिंग एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। मतलब ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे आपके
प्रोसेसिंग यूनिट में, जैसे मैं मान लो कोई मैंने डेटा दे दिया इनपुट में 10 एंड 20, ठीक है, मैंने एक डेटा दे दिया 10 एंड 20 जो कि ना तो ऑर्डर में है ना सीक्वेंस में, ना ही उसका कुछ मीनिंग्स है, ठीक है। और मैंने वो डेटा सप्लाई कर दिया कहाँ, इन सिस्टम में, और सिस्टम में जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसने मतलब किसी यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर ने इंस्ट्रक्शन पास किया प्लस मतलब एडिशन का, तो प्लस 10 एंड 10 प्लस 20 एक ऑपरेशन हुआ और वो आउटपुट जनरेट हो जाएगा 30 में, मतलब जो 30 वैल्यू हमारा जो आया वो एक्चुअल आंसर है हमारा, एक्चुअल आउटपुट है वो हमारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, परफॉर्मिंग सॉर्टिंग और सर्चिंग ऑन द डेटा, मतलब कोई किसी भी डेटा को हम सॉर्टिंग में कर सकते हैं, सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसी भी डेटा को कर सकते हैं, सर्चिंग किसी स्पेसिफिक डेटा को हम सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।